लड़ाई आमने सामने हो गई। बहुजन समाज पार्टी आज के लगभग 2 साल पहले की बात है, एक सीट जीती है। अब सोच लीजिए कि चार चार बार मुख्यमंत्री, और हसर यही होता है अगर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगता है तो वो खुद नीचा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आपका बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से तब वो था? नहीं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव लड़ी होती तो मुकाबला त्रिकोणी होता तो माननीय अखिलेश यादव जी को कोई हरा नहीं सकता था। मामला आमने सामने हो गया, बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी में, और चार चार बार सत्ता की पार्टी और एक सीट जो भी जीता भी है, वो अगर उसके विषय में आप अध्ययन करेंगे तो वो अपने गुडविल पे जीता। कुल मिलाकर ये आप आश्वस्त करना चाहते हैं मीडिया को कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब किसी हद पे नहीं जाएंगे? जो हिस्सा लूट रहा हो, जो आरक्षण खत्म कर रहा हो, जो मान लीजिए एक बार आ जाता उधर से पैगाम कि आ जाइए, क्यों आ जाएगा? हमको सत्ता से तो लालच हमको है नहीं, हमको मंत्री पद से तो लालच है नहीं, अब इससे ज्यादा क्या हो, क्या देंगे वो? ये आप आश्वस्त कर रहे हैं ना प्रकाश राजवंशी कि आप नहीं जाएंगे भाजपा के साथ? मैं यही सवाल है, मेरे भाजपा के लोग भेजे हैं आपको बता के कि यही पूछिएगा? नहीं तो आप बताइए तो। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट आपका इशारा कर रहा है। नहीं, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सवाल का जवाब देते रहते हैं ताकि देखने वाले सुनने वालों को भी ये ना लगे कि गुस्से में नेता है। हमारा मकसद ये रहता, कोई देखे तो उसको भी लगे कि नहीं हाँ नेता एकदम। अखिलेश यादव से मुलाकात करके आ रहे, क्या बात हुई है? बात चुनाव में क्या क्या कमियां रह गई उस पर हम लोग चर्चा किए, और आगे हम लोग लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेके कैसे कैसे हम लोग आगे बात करें और कब बैठक करें, कैसे समीक्षा में कौन जाएगा, विधानसभा वाली समीक्षा हो क्या, वहां से बातें छन के आते हैं उसको बैठ करके डिस्कस करके हम लोग आगे काम बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद राजभर जी। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। कुल मिलाकर करने का था कि हमारी जो भी गलतियां रही हैं, जहां पे हम अपनी बातें जनता तक पहुंचा नहीं पाए उसके लेकर हम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और हम रुकने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। हार जीत लगा रहता है, 2024 में फिर से तैयारी करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी लखनऊ।